चले स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले वार्म अप, हल्की हल्की जॉगिंग के साथ वार्म अप करेंगे। सांस जरूर लेते रहें साथ के साथ। बहुत लाइट, अगर आपका मैट है तो मैट पर हल्का हल्का सा आगे पीछे रन करें, हल्का हल्का सा आगे पीछे। हल्के हल्के से जॉगिंग, सांस लेते रहे, पीला छोड़े शरीर को, दोनों एल्बो को पकड़े इस तरह से, नीचे जाए, हल्का हल्का सा पुश करें, पैरों में गैप मेरे और मैं बॉडी को लाइट लाइट बिल्कुल लाइट लाइट पुश कर, राइट साइड हल्का हल्का सा पुश, लेफ्ट साइड, सेंटर, ढीला छोड़े बिल्कुल हाथों को, पैरों को पकड़े, उठे धीरे धीरे आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, कमर के पीछे देखें इस तरह से, हिप से गैप रहेगा आपको हाथों का, ऐसा न हो कि आपके हाथ ऐसे टच कर जाएं, गैप रखें हाथों में, गर्दन को लेके जाएं राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट अगेन, सेंटर, लेफ्ट अगेन, सेंटर, वन लास्ट टाइम, राइट अगेन, सेंटर, लेफ्ट अगेन, सेंटर, ऊपर देखें आप, सेंटर, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो सिर्फ ऊपर ही देखें और सेंटर में आ जाएं, बाकी लोग नीचे भी देख सकते हैं, डाउन, सेंटर, अप, सेंटर, डाउन, सेंटर, अप, सेंटर, वन लास्ट टाइम, डाउन, सेंटर, धीरे से छोड़ें हाथों को, पैरों में थोड़ा सा गैप बढ़ाएं, नेक को 3 टाइम रोटेट करेंगे, देखें बिल्कुल स्लो, नेक को देखें किस तरह से कर रहा हूँ मैं, नेक को फ्री नहीं छोड़ रहा कि कोई सपोर्ट के बिना नेक जा रही है, मेरी राइट साइड जा रही है नेक तो मैं राइट शोल्डर को ऊपर उठा रहा हूँ, जब मेरी लेफ्ट साइड जा रही है तो मैं लेफ्ट शोल्डर को ऊपर उठा रहा हूँ, पीछे मैं दोनों शोल्डर को ऊपर उठा के नेक को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसको नेक पेन है वो भी कर सकता है, इसको सर्कल घुमाएं इस तरह से बहुत धीरे, देखे मैंने राइट शोल्डर उठाया, बिना सपोर्ट के नहीं घुमा रहा हूँ, देखे लेफ्ट शोल्डर से लगाया मेरा सर, पीछे से दोनों शोल्डर, फिर राइट शोल्डर एंड सेंटर, बहुत स्लो, रिवर्स करते हैं 3 टाइम, रिवर्स, वन लास्ट टाइम, रिवर्स, सेंटर, सांस लें गहरी, डीप इनहेल, सांस रोक लें, अब हाथों को मुट्ठी बंद करें इस तरह से, अंगूठा अंदर, चार उंगलियां ऊपर, फिर से एक बार सांस लें, हाथ घुमाएं, 1, 2, 3, 4, बिल्कुल फ्री छोड़ के, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सांस छोड़ें झटके के साथ, रिवर्स करेंगे, सांस लें गहरी, डीप इनहेल, हाथ घुमाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सांस छोड़ें झटके के साथ, हाथों में गैप दें थोड़ा सा, अब मुंह में सांस भरेंगे, अब इस तरह से चिन को लगा देंगे हम नीचे चेस्ट पे और कंधों को इस तरह से कान के पास लेके आएंगे, देखें कैसे करना है, 15 टाइम करूंगा मैं, मुंह से सांस लें, सांस
सांस छोड़ दें। जब आप कंधे उठाएं इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी एल्बो बिल्कुल सीधी रहे, ऐसा ना हो कि आपकी एल्बो बैंड करके, आप इस तरह से भी कई लोग कर रहे होते हैं, इस तरह से नहीं करना। पैरों में थोड़ा सा गैप दें, हाथ रखें कमर के पीछे इस तरह से जोड़ के, डीप इनहेल, सांस लें गहरी, कमर को पुश करें एंड एक्सहेल करते हुए नीचे आए, डाउन डाउन डाउन, फिर से एक बार डीप इनहेल, आप एक्सहेल डाउन, फिर से एक बार डीप इनहेल, आप एक्सहेल करते हुए नीचे आए, डाउन सेंटर, राइट लेग, राइट हैंड को आगे लाएं, सिर्फ लेफ्ट हैंड मेरा कमर के पीछे, राइट हैंड ऊपर उठाएं, डीप इनहेल, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे आए और राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को पकड़ें और देखें हाथ से खींच के अपने सर को लेकर आए नी के पास, ही हेड टू, और फिर से गहरी सांस लें, डीप इनहेल एंड हाथ पीछे, ये थे थ्री, फिर से समझे, लेफ्ट हैंड को लाया मैं आगे, अब की बार चेंज करके हाथ को, डीप इनहेल, मेरा राइट हैंड कमर को पुश कर रहा है, लेफ्ट हैंड पीछे जा रहा, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे आए, टू, लेफ्ट से मैंने राइट पैर को पकड़ा, खींच के सर लगाया नीचे, डीप इनहेल थ्री, ये वापस काउंट के साथ करेंगे, अब वन, सांस ले, टू, सांस छोड़े एंड थ्री, बैक लेफ्ट से, वन, सांस ले गहरी, टू, पैर को पकड़ा सनी के पास एंड बैक राइट से, वन लास्ट टाइम, वन, टू एंड थ्री, लेफ्ट से, वन लास्ट टाइम, वन, टू एंड थ्री, वापस हाथों को नीचे लाएं, पैरों को मिलाएं, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड ऊपर उठाएं, कान से लगाएं और साइड से झुक जाएं, साइड कमर को स्ट्रेच करें, होल्ड रखें, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, हैंड डाउन, लेफ्ट को ऊपर उठाएं और झुक जाएं, स्ट्रेच, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, फिर से राइट को ऊपर उठाएं और झुक जाएं, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, लेफ्ट झुके, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, धीरे से नीचे, अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, राइट साइड जाएं पहले, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, सेंटर आए और लेफ्ट साइड झुक जाएं, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, सेंटर, धीरे से हैंड डाउन, पैरों में गहते हैं थोड़ा सा, अपनी जांघों के लिए, अपने थाइस के लिए, पैरों के लिए एक्सरसाइज करेंगे, हाथ सामने, योगा के स्क्वैट्स कह सकते हैं इसको आप, करना कैसे है, हाथ सामने, डीप इनहेल, सांस लें गहरी, ये वन, पूरा बैठे, सांस रोक रखी मैंने, टू, अब सांस छोड़े झटके के साथ, थ्री, फिर से देखें और देखें नी इस तरह से नहीं लाने, अपने हिप से बैठना, पीछे हिप नी, पैर के अंगूठे से पीछे, इसको ध्यान रखना, जो भी लोग नी को पैर के अंगूठे के आगे लाने इस तरह से, उनके नी में पेन आएगा ही आएगा, चाहे वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखें हिप से बैठना हमें, अगर किसी के नी में पेन है तो वो इस तरह से हाफ भी बैठ सकता है, पर अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन अपने हिप पे रखें कि मुझे सिर्फ हिप को बैंड करना, नी पे ध्यान ही ना दे, हिप पे दे, हिप पे, इस तरह से, हाथ सामने, डीप इनहेल, वन, टू एंड थ्री, हिप से बैंड, वन, टू एंड थ्री, फिर से देखें, सांस ली गहरी, वन, टू एंड थ्री, हाथ सामने, वन, टू एंड थ्री, हाथ सामने, वन,
two and three. Sasle, one, two, three. Sasle, one, two, three. One last time. One, two and three. Inhale and exhale. Sasle ghari. Inhale and exhale. पैरों में दे दें थोड़ा सा गैप. राइट लेग को आउट करें, हाथों को फैलाएं, राइट नी बैंड सामने देखें, हाथों को होल्ड रखें. वन, सांस लें, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट. लेग बैक. लेफ्ट लेग को आउट कर दिया मैंने, हाथों को फैलाएं, नी बैंड. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सांस जरूर लें, सिक्स, सेवन, फील करें फ्लो को एंड एट. लेग बैक. फिर से एक बार राइट लेग को आउट करा, हाथों को फैलाएं, नी बैंड करें फिर से, और अब की बार थोड़ा सा झुकें, 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 आगे जितना झुक सकते हैं उतना झुकें. होल्ड रखें. वन, टू, सांस जरूर लें, थ्री, प्रेशर भर जाएगा आपकी थाई में इस पोजीशन में. फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट. लेफ्ट लेग को आउट करें, सांस ले गहरी, बैंड, और थोड़ा झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं. होल्ड. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड बैक. राइट लेग को फिर से आउट करें, लेफ्ट हैंड रखें पीछे वाली थाई पे, आगे वाले नी को बैंड किया, राइट हैंड सामने और आगे वाले हाथ को ऊपर उठा दें. होल्ड रखें. वन, टू, थ्री, सांस लें, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट. वापस दूसरे पैर को आउट किया, राइट हैंड रखा मैंने पीछे वाली थाई पे, नी को बैंड किया, हाथ सामने एंड हैंड अप. होल्ड रखें. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट. लेग बैक. राइट लेग को एक बार फिर से आउट किया मैंने, बैंड किया नी को, लेफ्ट हैंड रखा फ्लोर पे और राइट हैंड ऊपर उठा दे. होल्ड रखें. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट. लेग बैक. वापस आए. मैंने अब लेफ्ट लेग को आउट किया, नी बैंड, लेफ्ट लेग आ गया, राइट हैंड रखा फ्लोर पे और लेफ्ट हैंड को गर्दन घुमा के देख रहा हूँ मैं. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट. धीरे से वापस. राइट लेग को फिर से आउट किया मैंने, दोनों हाथों से ग्रिप करें अपने थाइस को, चिन लगा दें. होल्ड रखें. वन, टू, थ्री, सांस लें, फोर, फाइव, बहुत अच्छा फ्लो है ये, सिक्स, सेवन एंड एट. धीरे से वापस. लेफ्ट को आउट किया, नी बैंड, इंटरलॉक कर अपने हाथों को थाइस के नीचे, चिन लगा दें अपने नी से. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड बैक. एक बार फिर से राइट लेग का आउट करें, बैंड करें पैर को, हाथ रखें पैर से एक फिट आगे, पीछे वाला पैर ऊपर उठाएं, सर लेके आए नी के पास, जितना सर नी के पास लेके आएंगे उतना स्ट्रेच आएगा, इसलिए जितना आप स्ट्रेच ले सकते हैं उतना ही लाएं. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट. लेग डाउन. लेफ्ट लेग को आउट करा, नी बैंड, हाथ आगे, पैर उठाया पीछे वाले, और जितना स्ट्रेच ले सकती है आपकी बॉडी सिर्फ उतना ले. वन, टू, थ्री,
4, 5, 6, 7 and 8. Down. एक बार फिर से राइट लेग को आउट करा, सांस ले गहरी, नी बैंड, पीछे वाला पैर ऊपर उठाएं आपकी बार फिर से। अब देखें दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़े, बैलेंस बनाने की कोशिश करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। बैलेंस बिगड़ रहा है बार बार, हाथ जमीन पे आ रहा, कोई बात नहीं, पर कोशिश जरूर करें। अगर नहीं बन रहा किसी का बैलेंस तो एक हाथ से पैर को पकड़ के एक हाथ फ्लोर पे रख के भी कर सकता है। धीरे से वापस, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके पैरों के दर्द को दूर करने के लिए। आपका नी पेन दूर होगा इससे, आपके थाई में कोई पेन है, काफ मसल में पेन है, वो ठीक होगा आपका। दूसरे पैर को आउट करें, नी बैंड, हाथ आगे, पीछे वाला पैर ऊपर उठाया और बैलेंस। 1, 2, 3, ध्यान लगाएं अपने पैरों के मूवमेंट पे कि पैर कैसे कांपने मेरी, कौन कौन सी मसल हिल रही है, मेरा एंकल कैसे बिहेव कर रहा है, मेरा नी कैसे बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा है, मेरी थाई कैसे कर रही है। हैंड डाउन, लेग बैक, धीरे से वापस। एक बार फिर से राइट लेग को आउट करें, हैंड डाउन, पीछे वाला नी फ्लोर पे रखें, धीरे से उठें, दोनों हाथ आगे, मेरा राइट नी है इस वक्त, दोनों हाथ राइट नी पे और फ्री छोड़ें अपने हिप को, पुश करें अपने हिप को, डाउन डाउन होल्ड रखें। 1, 2, 3, 4, 5, सांस लें, 6, 7 and 8, पंजा डाउन, पीछे वाला आगे आगे, पुश करें पैर को, पुश 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 पुश, कोशिश करें नीचे बैठ सकते हैं तो बैठें, नहीं बैठ पाने सिंपल, नीचे जितना सर आप अपने नी के पास ला सकते हैं तो लाने की कोशिश करें, नीचे बैठ सकते हैं तो बैठें और सर को नीचे लगाएं, होल्ड रखें। 1, सांस जरूर लें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, धीरे से उठें, बैक, उठ के खड़े हों और अपने लेफ्ट लेग को आउट कर दें। लेफ्ट लेग को आउट किया मैंने, पीछे मेरा राइट लेग है फ्लोर पे रखा, दोनों हाथ मैंने अपने लेफ्ट नी पे रखे एंड फ्री छोड़ दें इस पैर को, होल्ड रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, हाथों को रखा फ्लोर पे, पैर को सीधा करें, पुश करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच, बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छे, नहीं बैठ पा रहे सर को नी के पास लेके आए, जितना ला सकते हैं, स्ट्रेच फील करें अपने पैर में, फोल्ड रखें। 1, 2, 3, सांस लें, 4, 5, 6, 7 एंड पैरों को लिया है सामने इकट्ठे, बोथ हैंड्स अप, पैरों को पकड़ें, स्ट्रेच सर लेके आए नी के पास, होल्ड रखें। 1, 2, 3, 4 and 5, बैंड करें दोनों पैरों को, धीरे से उठ के बैठें इस तरह से, एल्बो डाउन, हाथों को सामने करें और सर को लेके आए फ्लोर के पास, होल्ड रखें। 1, सांस लें, 2, सांस लें, 3, 4 and 5, राइट हैंड लें राइट नी के नीचे, देखिए मेरा शोल्डर नी के नीचे जा रहा है, लेफ्ट हैंड को आउट करें, होल्ड रखें। 1, 2, सांस लें, 3, 4 and back, लेफ्ट हैंड को रखा मैंने नी के नीचे से, अगर किसी का हाथ नी के नीचे नहीं जा रहा तो सिंपल यहाँ भी रख के इस तरह से भी कर लें, करना जरूर है, ऐसा नहीं कि हम करें ना, ठीक है, अगर ईडी नहीं लग रही तो ईडी उठा के इस तरह से भी करें, कोशिश जरूर करें। बॉडी को फ्लेक्सिबल होने में टाइम लगता है, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद आप कर पाएंगे, होल्ड रखें। 1, 2, 3, 4 and 5,
दोनों नीज को रखें फ्लोर पे, हाथ रखें कमर के पीछे, हिप को टाइट करते हुए पीछे जाएं, पुश करें अपनी कमर को और पुश होल्ड रखें 1, 2, 3, 4 एंड बैक। पीछे बैठे हैं, नीज में गैप दें, हाथों को सामने स्ट्रेच कर दें, सांस लें गहरी, वापस आए, एक बार फिर से नीज के ऊपर आए। अब की बार राइट हैंड रखें राइट हील पे, लेफ्ट हैंड राइट हील पे, गर्दन पीछे, कमर को पुश करें अपनी, सांस लें गहरी, होल्ड रखें, सांस लें, सांस लें, सांस लें, धीरे से वापस, हाथ रखा फ्लोर पे, नीज में गैप दिया, सामने स्ट्रेच, चेस्ट लगाने की कोशिश करें, चिन लगाने की कोशिश करें, रिलैक्स करें अपनी बॉडी को इसी पोस्चर में, सांस लें गहरी, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से उठे आप, बैठे दोस्तों, बहुत ही पावरफुल योगा रूटीन है ये। देखिए पसीना बह रहा है मेरे को भी, आपकी स्पेशली थाई मसल, आपके पैरों की मसल्स बहुत मजबूत होंगे इससे, आपका पेन भी दूर होगा, नीज पेन भी ठीक होगा, क्योंकि जो स्ट्रेचेस हैं इस क्लास के अंदर बहुत इफेक्टिव हैं नी पेन के लिए, आपकी पैरों के दर्द के लिए। ओवरऑल पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करी हमने इस क्लास के अंदर, हर एक जॉइंट की एक्सरसाइज करी है। इस रूटीन को करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ हो, यही मेरी कामना है। अगर मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं आपको तो कमेंट्स करें क्लास पे, लाइक करें मेरी क्लासेस को। आप मेरी क्लासेस को पसंद कर रहे हैं ये जानने का सिर्फ यही तरीका है मेरे पास, जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मोटिवेट करेंगे मुझे कि मैं और क्लासेस बनाऊँ। अगर आपको अच्छी लग रही हैं क्लासें तो शेयर करें इनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस योग परिवार से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ योगा करें, स्टार्ट करें योग करना, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।